लंबे समय तक एक पदों पर और एक जगहों पर। भारत में साउथ में आप जाएंगे तो 5 साल से ज्यादा किसी भी सरकार को जनता नहीं रहती। यहाँ 20 साल 15 साल कोई भी संस्था कोई भी दरोगा भी एक थाने में रह जाएगा, 3 साल 4 साल के बाद वो कोलैप्स कर जाएगा। तो जो हालात है उसमें नीतीश कुमार जी का दोष नहीं है, एक तो उनकी उम्र का भी दोष थोड़ा, अभी भी वो निहायत गंभीर पॉलिटिकल पॉलिटिशियन है। लेकिन दुख होता है कि नालंदा जैसे जगहों पर हम 17-18 सालों की सत्ता के कुर्सी पर रहने के बाद उसको हम अपराध से मुक्त नहीं कर पाए। पूरा का पूरा पुलिस प्रशासन गुंडा हो चुका है, पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो चुकी है, दारू का पैरेलल इकोनॉमी, सबसे ज्यादा पैरेलल इकोनॉमी अपराधी और नक्सली ने इतना पैसा कमा चुका है कि बिहार की पैरेलल इकोनॉमी को चैलेंज देगी। जिस स्टेट में पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो जाए वह स्टेट कोलैप्स कर जाता है, इसको समझने की जरूरत। दारू ने इतना अपराध, जो हालात है उसको समझिए। बिहार यूक्रेन से बुरी स्थिति है, बिहार में अपराधी माफियाओं का इस तरह बोलबाला, दंगाइयों का सबसे ज्यादा। नीतीश कुमार जी सेकुलर हैं लेकिन कार्रवाई नहीं करना ये आश्चर्य। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि नीतीश कुमार जी राज्यसभा और उपराष्ट्रपति के लिए मोहताज नहीं है, वो उस कैपेबल है, उस लायक है, वो राष्ट्रपति और पीएम भी हो सकते हैं। चलिए सर, लुधियाना में धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहला यह देश भारतीय संविधान के द्वारा चलेगा या किसी व्यक्ति विशेष या किसी एक ऐसे संघीय व्यवस्था के द्वारा जिसका इस देश में कोई भूमिका नहीं। मुझे कभी आश्चर्य लगता है कि हम लोग एक बड़ी ताकत, बहुसंख्यक ताकत, जो हमेशा इस देश के कभी दलितों के बाबा साहब अंबेडकर की आइडियोलॉजी को, कभी पेरियार, कभी वाल्मीकि, कभी संत रविदास, कभी चोहरमल, कभी भगवान परशुराम, ऐसे सभी लोगों की आइडल की सामाजिक संरचना को हम लोगों ने बचाया है, चाहे वो शिव हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे राम हो, चाहे नानक हो, चाहे कबीर हो। जब जब इस देश के कमजोरों पर, वंचितों पर जुल्म हुए, अत्याचार हुए, जब जब उनके अधिकार छीने गए, जब जब उनके राइट छीने गए, जब जब उन्हें डराने की कोशिश हुई, जब जब उन्हें अपने ही देश में अलग थलग करने की कोशिश की गई, चाहे 200-300 साल, चाहे 1000 साल पहले बुद्ध के पहले हो, चाहे बुद्ध के बाद हो, चाहे इस्लाम के काल में हो या इस्लाम के पहले हो, तब तब इस देश के बहुसंख्यक लोगों ने समाज को बचाया है। आज मुझे आश्चर्य लगता है कि कंप्लीट 8 सालों से इस देश के बारे में हमें सोचकर घिन आती है। जब हम जापान की बात करते हैं तो वहां पर बात होती है एनवायरमेंट की, जब हम लंदन की बात करते हैं तो वहां बात होती है वाटर की, जब हम इंग्लैंड की बात करते हैं तो वहां बात होती है जिंदगी जीने की, जब हम यूरोप की बात करते हैं तो वहां बात होती है तरक्की और आम आदमी के इकोनॉमिकल फ्रीडम की, जब हम भारत की बात करते हैं तब वहां बात होती है जादव राजपूत ब्राह्मण भूमिहार तेली नोनिया कुर्मी दलित गैर दलित पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा हिंदू मुसलमान की, जब हम भारत की बात करते हैं तो बात होती है बेरोजगारी की, तब बात होती है भूख की, किसानों की माली हालात की,
महंगाई की, तब बात इस कंट्री में होती है पॉर्न देखने की। या कंट्री उस परिस्थितियों की कंट्री है कि जहां हम गुलामी की ओर और कंप्लीट रूप से इसको क्लियर समझ लीजिए कि हम देश के टुकड़े टुकड़े भाषाओं में सामाजिक संदर्भों में बंटने के हालात पे खड़े हो गए। यह कंट्री जो दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क था, जो शिव का, नानक का, कबीर का, मोहम्मद का, राम का, बुद्ध का, सबका तस्त था, आज एक नफरत सी हो गई है। और जो माहौल तैयार किया जा रहा है 2024 के पहले, आश्चर्य होगा आपको कि ये रिहर्सल था। 3 साल 4 साल पहले कभी कोई जुलूस आप इस देश में नहीं देखते होंगे। 3 साल पहले हमारा बाप दादा हर घर में ध्वजा होती थी, उस ध्वजा में लाल झंडा होता था जिसमें हनुमान होता था। 3 साल के बाद लाल झंडा हट गई, केसरिया आ गया, हनुमान हट गया, राम आ गया, जामबंद हट गया, भरत हट गया, शत्रुघ्न हट गया। 3 साल के बाद सुग्रीव हट गया, सिर्फ राम की धनुषधारी तस्वीर मात्र बच गई। कुछ दिनों के बाद राम भी हट जाएंगे। मैं उन राम भक्तों से पूछना चाहता हूं कि वाल्मीकि के बारे में क्या कहना। मैं उन राम भक्तों से पूछना चाहता हूं कि राम सबरी का जूठा खाए थे, क्या पप्पू यादव जैसा राम भक्त, पासवान राम, निषाद, नुनिया, चंद्रवंशी, कहार, भुइया, मुसहर के बेटे का जूठा खाएगा? हम जानना चाहते हैं। और राम के नाम पर 2024 के रिहर्सल के बाद अगला चुनाव 2000 साल में, मैं 20 दिन पहले वीडियो पर बोला हूं कि पूरे भारत में दंगा की स्थिति होगी, मेरा वीडियो वायरल है, और कराए जाएंगे। ये रामनवमी की जुलूस थी क्या? ये जुलूस थी संघी भाजपा के गुंडों, मोटरसाइकिल पर तलवार, कभी आपने राम के भक्तों को देख, हाथ में फरसा, हाथ में लाठी, मुंह में स्मैक, कोरेक्स और दारू, और पूरी नफरत लिखने की एक तैयारी। हम भारत सरकार से मांग करते हैं और हम हर समुदाय वर्गों से मांग करते हैं, जिससे समाज आहत होता है, चाहे हदीस यदि नहीं कहता है कि आप तजिया सिर्फ घर में खेले, सड़कों पर आप यदि लाठी फरसा निकालने की बात नहीं कहता है तो आप उसको रोको। यदि समाज आहत होता है, और जिस तरीके से आज पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल गुंडा और पॉलिटिकल नेता धार्मिक माहौल और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने में लगी हुई है, या जितनी घटना हिंदुस्तान में होती है यह पॉलिटिकल नेता और पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे के द्वारा तय किया जाता है, उसमें समाज की भूमिका नहीं होती है। समाज की भूमिका राम के कैरेक्टर को बचाने की है, राम मेरे खून में, राम मेरे जहन में। हमारे यहां चर्चा 160 रुपया टोल टैक्स हो गई, इसकी नहीं होगी। हमारे यहां चर्चा एनबीसीसी रेलवे का क्या हुआ, इस पर नहीं होगा। हमारे यहां चर्चा ग्रुप डी का नहीं होगा। हमारे यहां चर्चा यूपीएससी बीपीएससी में एसएससी में दलित एसटी एससी अत्यंत पिछड़ा ओबीसी का बेटा